अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अजीम चिप्स वाला आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम आपकी बहुत ज़्यादा फरमाइश पर एक ऐसे बिज़नेस आइडिया को लेकर आए हैं जिसका नाम तो आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि पोटैटो चिप्स पैकेजिंग बिज़नेस। ये हम आपको इजी तरीके से, ताकि आप घर लेवल पे स्टार्ट कर सके, उस तरीके से हम आपको बताएंगे कि छोटे लेवल से आप इसकी पैकेजिंग कैसे कर सकते हैं, अच्छी और म्यारी पैकेजिंग आप कैसे कर सकते हैं। जो कि हम भी स्टार्टिंग में यही पैकेजिंग किया करते थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिज़नेस काफ़ी ग्रो कर गया। अगर आपको, आप नए हैं हमारे चैनल पे, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। शेयर करें, ये आपके प्यार होता है, मोहब्बत होती है। अगर आपके कोई सवालात हैं तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिख के हमें अपने सवालात पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करें। आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। कुछ मेरी वीडियोस इस तरह की हैं कि मैं बिजनेस आइडियाज़ देता हूँ, मैं एंटरटेनमेंट नहीं दे सकता। तो पाकिस्तान में ज़्यादातर लोगों को एंटरटेनमेंट की ज़रूरत होती है, तो मैं बिज़नेस आइडिया देता हूँ, इसीलिए मेरी ज़्यादा वीडियोस को पसंद नहीं किया जाता, जिसकी वजह से मुझे भी वीडियोस बनाने में थोड़ी दुश्वारी पेश आती है कि आप लोगों को पसंद तो आ नहीं गई, तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं है वीडियोस बनाने का। अगर ये सिलसिला ऐसे चलता रहा तो इंशाल्लाह एक दिन मैं ये सारी वीडियोस ख़त्म कर दूँगा और फिर मैं अपने फोकस करूंगा अपने बिज़नेस पे। क्योंकि ये मैंने इसलिए स्टार्ट किया था ताकि आप जैसे भाइयों को ये बिज़नेस आइडियाज़ दे के, तो आप जैसे भाइयों को मुस्तफ़ीद किया जाए। मगर जिस तरह हम वर्किंग कर रहे हैं, मेरे ख्याल में आपको हमारे आइडियाज़ अच्छे नहीं लग रहे। तो चलिए वीडियो देखते हैं, फिर देखते हैं कि आपको पसंद आएगी या नहीं आएगी, तो अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए पैकिंग स्टार्ट करते हैं कि पैकिंग हम पोटैटो चिप्स की कैसे कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये मैंने जी चिप्स जो है ना, ये तकरीबन 1 kg चिप्स एक टब में डाली है। ये इसलिए टब में डाली है कि मैं आपको छोटे लेवल पे बता दूं कि आप कैसे घर पे रह के या छोटे लेवल पे आप कैसे काम कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ठीक है, चिप्स सारी मैंने इसमें डाली है। अब मैं लूँगा ये वाली, ये नमकदानी है, ये आपको स्टेनलेस स्टील की किसी भी दुकान से जो है ना मिल जाएगी। क्या नाम लेते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्राइस है मेरे ख्याल 550 रुपये स्टेनलेस स्टील की है। इसमें मैंने फार्मूला डाला हुआ है स्पाइसी का, आप कोई भी फार्मूला डाल सकते हैं, यानी कि ब्लैक पेपर डाल सकते हैं, साल्टेड डाल सकते हैं, स्पाइसी फ्लेवर डाल सकते हैं। डालना कैसे, इस को ऐसे हमने ऊपर छाना यानी कि छिड़का, और हमने इसको उल्ट पुल्ट करना है इस तरह, किसी भी चीज़ की मदद से उल्ट पुल्ट कर लें। उसके बाद दोबारा इसको जो है उसके ऊपर डालें, उसको दोबारा से उसी तरह उल्ट पुल्ट कर लें। आपने ये एहतियात से इसको उल्ट पुल्ट करना है कि आपकी ज़्यादा चिप्स जो है वो जो है ना टूटे ना, ठीक है, क्योंकि चिप्स बहुत नाजुक होती है और क्रंची होती हैं, ये टूटती बहुत जल्दी है, ठीक है। तो ये दोबारा से ऐसे कर लें, ठीक है, ये देखें, ये दोबारा से ऐसे उल्ट पुल्ट कर लें और दोबारा से इसी को फॉर्मूले को दोबारा से छिड़कना शुरू कर दें उसके ऊपर, और ये आपकी स्पाइसी चिप्स जो है वो तैयार है। अब यहाँ पे सवाल रह जाता है पैकिंग का, पैकिंग मैं आपको करके बताता हूँ कि आपको पैकिंग कैसे करनी है। ये हमारी चिप्स जो है वो स्पाइसी फ्लेवर में बिल्कुल तैयार हो चुकी है। 4-5 बार इसको लगाएं ताकि जो मसाला है अच्छी तरह हर एक एक पत्ते को लग जाए। ये छोटा बिज़नेस इसलिए मैं बता रहा हूँ छोटी लेवल पे पैकिंग, कि ज़्यादातर भाई बहन जो हैं वो घर पे स्टार्ट करना चाहते हैं कि हम
चिप्स की पैकिंग कैसे करें। तो अब हम पैकिंग करेंगे, पैकिंग कैसे करनी है ये मैं आपको बताता हूँ जी। तो दोस्तों ये मैंने पैकेट ले लिया है, ये देखें इस पे मैंने स्टिकर लगाया हुआ है, एक्सपायरी लगी हुई है। ये 7/11 का जो है ना, 7/11 साइज इस पैकेट का है। अब मैं इसमें चिप्स की पैकिंग करूँगा। ये देखें आपने इस तरह पकड़ना है और कोशिश करनी है कि जितनी मोटी मोटी चिप्स हो वो डालें इसको, और ऐसे जो है इस, ये देखें ये इसके अंदर हमने चिप्स डाल दिए हाथों की मदद से। आप कोशिश करें कि जब आप चिप्स डालें ग्लव्स का इस्तेमाल करें। मेरे पास अभी ग्लव्स अवेलेबल नहीं थे, ठीक है। ये फिर मैं देखें डाल रहा हूँ मोटी मोटी। कोशिश करें कि चूरा चिप्स ना डालें, चूरा जो है वो किसी और तरह पैकिंग करके छोटे बच्चों के लिए आप छोटे पैकेट बना लें। ये देखें मैंने इसमें डाल दिए चिप्स। ये एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ऐसे शॉपिंग बैग को पकड़ें, मोटी मोटी चिप्स को ऐसे इसमें डालें, ठीक है। ये देखें मैं मोटी मोटी चिप्स को हाथ से डाल रहा हूँ, ठीक है। ये देखें ये हमारा पैकेट में चिप्स डल चुकी है और ये चिप्स का पैकेट बन चुका है। अब पैकिंग कैसे करनी है चले मैं आपको बताता हूँ जी। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये पंच सीलर है, इसको हम पंच सीलर कहते हैं। ये अगर आप घर के लेवल पे या छोटे लेवल पे करना चाहें ये बिज़नेस, तो इससे अच्छा कोई नहीं हो सकता आपके लिए, क्योंकि मशीन की पैकिंग एक एक्सपेंसिव चला जाता है। अगर आपने स्टार्ट करना है तो आप इससे स्टार्ट करें, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप इससे स्टार्ट करें, और ये तकरीबन 5 से 6 हज़ार रुपये का आपको किसी भी मार्केट से मिल जाएगा पंच सीलर। अब सील कैसे लगानी है ये देखें, इस पैकेट को हम यहाँ से पकड़ेंगे ऊपर से, ठीक है, ऊपर से पकड़ेंगे और हम इसके नीचे रखेंगे और इसको ऊपर से दबा देंगे तो ये सील लग जाएगी। ये देखें मैंने इधर से इसको टाइटली पकड़ लिया है और ये मैंने ऊपर से इसको दबा दिया और ये थोड़ी देर के बाद इसको ये सील लग चुकी है। ये देखें बिल्कुल जो है हमारा पैकेट जो है रेडी है। इस टाइम आप किसी भी शॉप पे किसी भी तरह ये रख सकते हैं और ये हम 50 रुपीज़ का सेल करवाते हैं। दोबारा से मैं आपको बता दूं, ये हमारा पैकिंग जो हमने की थी ये इसको ऊपर से टाइटली हमने पकड़ना है, ऐसे करके टाइटली पकड़ के और इसको पंच सीलर के नीचे दे देना है और उसको पंच सीलर को इसको दबा देना है। थोड़ी देर के बाद ये सील आउट हो जाएगा, यानी कि ये एयर टाइट सीलिंग हो जाएगी इसकी। और ये देखें ये फिर पैकेट कितना खूबसूरत लगता है और ये हमारी पैकिंग रेडी है। ये देखें हमने ये 2 पैकेट बनाए हैं, ये आपके सामने है कि ये बिल्कुल पैकेट्स रेडी हैं। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो दूसरे दोस्तों से भी शेयर करें। मुझे मालूम है कि अनफॉर्चुनेटली आपको मेरा काम ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसलिए आप दूसरों से शेयर नहीं करते, लाइक नहीं करते। तो अगर ऐसे ही चलेगा तो इंशाल्लाह आपको कुछ दिनों के बाद जो है मैं क्विट कर दूंगा, मैं ये सारे बिज़नेस आइडियाज़ जो हैं ख़त्म कर दूंगा, ताकि क्योंकि किसी को अगर चीज़ अच्छी ना लगे तो इंसान को वो चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। दोबारा से मैं बता दूं, ये देखें आपने ऐसे पैकेट जो है पकड़ना है ऊपर से टाइटली, इसको एकदम से खींचना है, नीचे रखना है, नीचे रखने के बाद इसको दबा देना है। दबाने के बाद थोड़ी देर के बाद एयर टाइट सील हो जाएगी, ये आपका पैकेट रेडी है। ये देखें हमने 3 पैकेट्स बनाए हैं और तीनों आपके सामने हैं, ये तीनों आपके सामने हैं। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई कमेंट्स बॉक्स में लिख दें, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा सकूँ। ये चिप्स की पैकेजिंग थी, इससे पहले मैंने चिप्स बनाने का तरीका भी सारा कुछ बताया था। अगर आपको वो
देखना है कि चिप्स कैसे बनाई जा सकती है, तो आई बटन में क्लिक करें और चेक करें कि चिप्स कैसे बना सकते हैं। चिप्स बनाने के बाद आप पैक करके मार्केट में ले जा सकते हैं। इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। ये पैकेट बन के हमें जो है तकरीबन 28 से 30 रुपए का पड़ता है और हम 40 से 42 रुपए का मार्केट में देते हैं, वो 50 रुपीस का सेल करते हैं। ये 80 ग्रामेज से लेके 85 ग्रामेज की हम चिप्स पैक करते हैं। आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए, क्योंकि ये वतन हमारा है और हमें पाकिस्तान को ऊपर लेके जाना है। थैंक यू सो मच।